नमस्कार, आप सबका स्वागत है। शहर में सरे बाजार प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। पुलिस वीडियो फुटेज के जरिए हत्या के आरोपियों की पहचान कर रही है। देर रात इस मामले में 5 में से 3 आरोपियों की पहचान हो गई है। ये वारदात शहर के महाराज बड़ा इलाके के खासगी बाजार में शाम 4:10 बजे हुई। पुलिस चौकी से महज 400 मीटर के फासले पर अचानक कुछ लोग ने इस वारदात को अंजाम दिया। राहगीर कुछ समझ पाते उससे पहले ही आरोपियों ने उसकी कनपट्टी में गोली मार दी। जब वह जमीन पर गिरता है तो फिर से उसमें चाकू घूमते हैं। यह सनसनीखेज घटना बुधवार को शहर में हुई। घटना का वीडियो निजी स्कूल के बाहर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। मृतक प्रॉपर्टी डीलर और ब्याज पर पैसा लगाने वाले जितेंद्र 34 पुत्र मदनलाल बाथम के रहने वाले ढोली बुआ का पुल लोहागढ़ था, जिसे 5 लोगों ने घेर कर मार डाला। हत्या की वजह सामने नहीं आई है। हत्यारे खौफनाक तरीके से मर्डर कर आराम से फरार भी हो गए। पुलिस वीडियो फुटेज के जरिए हत्यारोपियों की पहचान कर रही है। जितेंद्र दोपहर करीब 3:30 घर से स्कूटर लेकर निकले थे। भाई रविवार ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक कॉल आया था। फोन करने वाले ने उन्हें कहीं मिलने बुलाया था। घर से निकलने के बाद खासगी बाजार स्थित सिंधी धर्मशाला के पास पहुँचे, जहाँ उन्हें 2 युवक मिले। यह युवक पहले उनसे बात कर रहे थे, तभी एक गाड़ी पर सवार होकर 3 और युवक वहां पहुंचे। एक युवक नीले रंग की जैकेट, एक काले रंग की जैकेट और एक लाल रंग की टी शर्ट पहना हुआ था। एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधा था। तीनों ने जितेंद्र की पिटाई शुरू कर दी। एक युवक ने पीठ, कंधे और पेट में चाकू मारे। दूसरे युवक ने कट्टा निकाला और सिर पर रखकर गोली मार दी। गोली लगते ही जितेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद फिर से उसमें चाकू मारे गए और हमलावर मौके से भाग गए। कुछ देर बाद जनकगंज थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस जितेंद्र को जेल लाई, जहां उसे मृत घोषित किया गया। आरोपियों में से एक दीपक बाथम से जितेंद्र का रंगदारी काय लेकर पुराना विवाद चल रहा था। खासगी बाजार में घटना जहाँ हुई वहाँ आस पास कई दुकानें हैं। दिन दहाड़े गोली व चाकू के जरिए हत्या की वारदात के बाद दुकानदार इतने सहम गए कि जितेंद्र को बचाना तो दूर। जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो सीसीटीवी फुटेज तक दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। एक दुकानदार ने तो अपने सीसीटीवी फुटेज का तार निकाल दिया और कहा कि उसके कैमरे बंद हैं। घटना से लोग काफी भयभीत थे। इस घटना के बारे में कुछ चर्चा करने से भी डर रहे थे।